લોકડાઉન ચાલી રહ્યું છે ત્યારે બીજી તરફ સુરત શહેરમાં અસામાજિક તત્વો બેફામ બની ગરીબ અને સામાન્ય લોકોને હેરાન પરેશાન કરી જીવલેણ હુમલો કરી રહ્યા હોવાની ઘટના સામે આવી છે અને ડિંડોલી પોલીસ દ્વારા નબળી કલમો ઉમેરી હોવાનું ફરિયાદીઓએ આક્ષેપ કર્યો હતો. ડિંડોલી વિસ્તારમાં આવેલા ગણપતિધામ સોસાયટીમાં રહેતા શ્રમિક પરિવાર ઉપર ગત 11 મહિના રોજ અસામાજિક તત્વોએ સામાન્ય વાતે બોલા ચાલી કરી 10-15 લોકોએ પરિવાર ઉપર હુમલો કરી પલાયન થઈ ગયા હતા. મહિલા અને બે યુવકોને માથામાં ઈજા થતા સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા, જ્યારે બીજી તરફ ફરિયાદી દ્વારા ડિંડોલી પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ કરતા પોલીસ આરોપીઓની ધરપકડ કરી જામીન ઉપર છોડી નબળી કલમ ઉમેરતા ફરિયાદી દ્વારા આજે પોલીસ કમિશનર કચેરીએ જઈ ન્યાયની માંગણી કરવામાં આવી હતી અને આરોપીઓની ફરી ધરપકડ કરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી. દેવીજી, આપ ક્યા હુઆ આપકે સાથ આજ આપ લોગ ક્યો પોલીસ કમિશનર ઓફિસ આયે? इसलिए है कि हम लोग घर के अंदर बैठे थे और वो लोग आया. पहले एक आदमी गाली देने लग गया, बोला माधर चौधरी इधर क्यों बैठा है. मैं बोला कि अपने घर पे बैठा हूँ. बोला कि तेरा बाप का औकात नहीं है रोड पे बैठने के लिए. मैं बोला भाई जाना. वो बोला कि नहीं, मैं अभी तेरे को बताऊँगा. इतने देर में 10-15 आदमी के फ़ोन करके बुला लिया और बुलाने के बाद में वो लोग 10-15 आदमी आया और डायरेक्ट घर में से खींच खींच के मारना चालू कर दिया. हम लोग दरवाजे लगाने जा रहे थे तो खींच खींच के मारना चालू कर दिया 10-15 आदमी. आपको भी मारा? हाँ, चाकू जैसे ही इधर मैं ऐसा देखा चाकू कि मेरा आदमी को मारने जा रहा है तो मैं उसका हाथ से ऐसे खींचा तो यहाँ पर बछार लगते हुए यहाँ और हमारे हाथ से खींच भी लिया. वो तीन आदमी ऐसा घुमा दिया और खींच भी लिया. आपको भी मारा? हाँ, डंडा यहाँ चलाया है और फटका इधर मारा है और इधर मारा फटका और एक आंख से दिखाई भी नहीं दे रहा है कल से. अच्छा, जो जिन लोगों के माता वो आपकी सोसाइटी में रहते हैं? हाँ, घर वो घर के बाजू में रहता है सब. कारण क्या है, क्यों ऐसा किया आपके साथ? एक साल पहले से उसका दुश्मनी मेरे साथ में. दुर्गा पूजा मेरा लड़का कुछ नहीं बोला था, बोलता था एक साल के मैं घर से खींच के मारूंगा, खींच के मारा. अभी वो लोग कहाँ है फिलहाल? अभी घर पे वो लोग है. पुलिस क्या की इस मामले में? पुलिस वाला पैसा ले लिए और बोला कि इसका कुछ नहीं होने वाला है, जाओ तुम लोग, अभी कुछ नहीं कड़ाई करेंगे हम लोग, बंद कर दिए ना, तुम लोग जाओ घर पे. घर पे हम लोग चलाए और जैसे ही वो लड़का सब बंद था, वो पैसा देकर मेरे सामने वकील को पैसा दिया, पुलिस वाले को पैसा दिया और बोलता था कि मैं अभी घर पे आऊँगा ना, तुम लोग के एक एक जन के काट दूंगा. ऐसे घर में 12 बजे रात तक गली में घूमता है चाकू ले लेके. जी, आपका नाम? विजय चौधरी. विजय जी, आपके सिर में चोट कैसे लगी और आज आप पुलिस कमिश्नर ऑफिस क्यों आए हैं? सर, पुलिस ने फरियाद किया था, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ है, इसके लिए मैं आज कमिश्नर ऑफिस में आया. आपके साथ? मेरे साथ, मैं घर से खाना खा के बाहर दरवाजे पे निकला है, घर में से खींच के मारा है हमको. किसने मारा? अतुल है, प्रभाकर चौहान है और सुजीत. अतुल, सुजीत और अतुल. मारने का कारण? मारने का कारण सर कुछ नहीं है, और एक आदमी आया पहले और मेरे साथ मगजमारी किया, घर से बाहर निकला था, मारना चालू कर दिया, फोन करके बुलाया 10-15 आदमी को. किससे मारा था आपको? सलिया फटका और चाकू भी था. कितने लोग थे? 15-20 आदमी था. सबकी बात है ये? 11 तारीख रात 10 बजे. पुलिस शिकायत की थी आपने? जी, पुलिस शिकायत की थी. क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने कुछ किया नहीं सर, हम लोग तो हॉस्पिटल पे 4 दिन तक रहे अंदर. बाद में वहाँ से आए तो लोग एक दिन रहा पुलिस स्टेशन में, बाद में उसके बाद निकल के आ गया बाहर. जब पुलिस ने हमको बुलाया पुलिस स्टेशन तो वहाँ भी बोला रुकने दे, निकलने दे मेरे को बाहर, मैं तुम सबको बताता हूँ. बाद में बाहर घूम के भी गली के मोहल्ले में घूमता है सुबह और शाम, रात में डंडा फटका सलिया लेके बोल तेरे को बताता हूँ, दिखाता हूँ मैं. वो लोग क्या काम करते हैं जिसने आपको मारा? वो लोग कैसे लोग? सर, वो लोग गांजा और दारू का धंधा है. क्या भी आपकी मांग है यहाँ पुलिस कमिश्नर ऑफिस, तो आप क्या चाहते हो? क्या सर, हमारे जान माल की सुरक्षा हो और उसको कड़ी से कड़ी सजा हो.